वाराणसी नगर निगम ने टिट्रापैक जीआईजेड और टेरी के साथ मिलकर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का शुभारंभ किया। यह एक नगर निगम की ऐसी पहल है जिसमें भारत में अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक और निजी पार्टनरशिप जो कचरे के भराव क्षेत्र में शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। रिसाइकिल करने योग्य कचरे की एकत्रीकरण बढ़ाने और शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूती देने के लिए आज नगर निगम ने एक नई पहल की है। MRF एक अपशिष्ट छटाई केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जहां शहर में फैले प्लास्टिक, मिश्रित कागज, पेपर से बने कार्टून आदि को अलग एवं संतुलित करने का कार्य किया जाएगा। टेट्रा पैक एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबिलिटी जयदीप गोखले ने कहा, हम दृढ़ता से इस बात पर विश्वास करते हैं कि रिसाइकिल करने से अपशिष्ट को धन में बदला जा सकता है। 16 वर्ष से अधिक समय से हम अपने कागज आधारित और पूर्ण रूप से रिसाइकिल करने योग्य पैकेज के लिए एक स्थायी संग्रह और रिसाइकिल पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करने के लिए कार्य करते आ रहे हैं। आज यह पारिस्थितिक तंत्र भारत के 23 से ज्यादा शहरों को कवर करता है और भारत में बेचे जाने वाले प्रत्येक 2 कार्टन पैकेजों में से एक रिसाइकिल होता है। हम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को BMC, टेरी और JIZ जैसे प्रतिबद्ध साझेदारों के साथ साझा करने में प्रसन्न है, ताकि PM मोदी के स्वच्छ भारत सपने को और बेहतर बनाया जा सके और भविष्य में कागज से बने कार्टन का संग्रह बढ़े और उनकी रिसाइकलिंग हो सके। ये हम आज इस ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, जिसे MRF भी कहते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, उसका हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो कि वाराणसी में वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही यूजफुल होगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव करने में। ये प्रोजेक्ट जो है ये टेट्रापैक, टेरी और GIZ की कोलैबोरेशन में है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें घरों में जाके अवेयरनेस दी जाएगी कि जो है सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। कूड़े को 3 भागों में बांटना, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे सोर्स सेग्रीगेशन होगा घरों में, जब कूड़ा यहाँ पे आएगा अलग अलग भागों में, तो ये ड्राई वेस्ट यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो ड्राई वेस्ट में हम लोग फर्दर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, जैसे कि पेपर अलग होता है, टेट्रापैक कार्टन अलग होगा, प्लास्टिक, रबर, और फिर वो अलग अलग भागों में बांट के उनको बेल किया जाएगा इस बेलिंग मशीन के थ्रू, और देन अलग अलग रिसाइकलिंग कंपनीज को वो बेचा जाएगा। इससे यहाँ पे ड्राई वेस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे टेट्रापैक के कार्टन होते हैं उनसे हम लोग पेपर बना सकते हैं। तो वो यहाँ पे पेपर मिल्स हैं जो कि उनसे उसको पल्प करके पेपर बनाती हैं। प्लास्टिक से भी, प्लास्टिक और रबर से भी काफ़ी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रिसाइकलिंग है, जो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये स्वच्छ भारत अभियान में काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। यहाँ पे हम एक ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। बेसिकली जितना भी ड्राई वेस्ट आता है, जैसे कूड़ा होता है, उसमें सूखा कूड़ा भी होता है, गीला कूड़ा भी होता है, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, जिसको हम सूखा कूड़ा कहते हैं, और जो घर का जो कूड़ा निकलता है किचन से, उसको गीला कूड़ा कहा जाता है। तो इस प्रांगण में दोनों गीला और सूखा कूड़ा दोनों मैनेज किया जाएगा। जो गीला कूड़ा है उसके लिए तो म्यूनिसिपैलिटी का ऑलरेडी एक बायोमेथनेशन प्लांट लगा हुआ है, वहाँ वो बायोगैस और कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगा। जो यहाँ सूखा कूड़ा आएगा उसको हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस में, जैसे पेपर का फ्रैक्शन हो गया, प्लास्टिक का फ्रैक्शन हो गया, ग्लास का फ्रैक्शन हो गया, मेटल का फ्रैक्शन हो गया, इस सबको हम बेल करेंगे और उसको फिर डिफरेंट रिसाइकलर्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उससे ये होगा कि वो जो, और जो ट्रांसपोर्ट होगा वो लोग ऑलरेडी सेकेंडरी मटेरियल, जैसे अगर आप नया मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो उसे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पुराने मटेरियल से आप पर्यावरण पे प्रेशर कम कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत फ़ायदा है कि अगर हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो उससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर प्रेशर्स कम होते हैं। हम वर्जन मटेरियल, हम जो नया मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पुराने मटेरियल को नए प्रोडक्ट्स में तब्दील कर रहे हैं।